एक शॉर्ट फिल्म बनाया था मैंने बंटाई करके, और फिर भाई को मैंने अप्रोच किया था उसके लिए कि भाई मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया, तो भाई ने देख के ही फिर मेरे को डेट दे दिया क्या ठीक है हम ये म्यूजिक वीडियो करेंगे। और रोमांटिक सॉन्ग था ये, और हम जब कास्टिंग कर रहे थे तो कास्टिंग में भी हमको बहुत हेल्प किया हमारे नूर सिद्दीकी सर ने, नूर सिद्दीकी इनका भी बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। सारे एक नंबर प्रोडक्शन का जितने भी टीम है सारे लोग ने मेरी बहुत हेल्प की, नूर सिद्दीकी साहब ने भी हमारे जो सृष्टि को कास्टिंग किया बहुत ही अच्छा, हमको जैसे चाहिए था जो लुक चाहिए था जो कैरेक्टर चाहिए था वो हमको सृष्टि में मिल गया था। हमने 2-3 दिन कंटिन्यू ऑडिशन किया बट हमको नहीं मिल रहा था, बस नूर भाई ने हेल्प किया और हमको सृष्टि मिल गई। First of all, thank you everybody for coming here in a short notice. बहुत सब लोग बिजी रहते हैं लेकिन आज दिन था, हमने डिसाइड किया, इसको थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा है। हाँ, फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, इसने एक फिल्म बनाई थी भंटा है, सो मेरे पास लेके आया, दो चार लोग इसको मेरे पास आने नहीं दे रहे थे, फाइनली पहुंच गया। जब किसी के पास बोलते ना, एक डेढ़ महीना लगा मुझे भाई से मतलब अप्रोच करने के लिए, बहुत तो मंजिल मारी तो मंजिल पे ये आ गए। और मुझे लगा टैलेंटेड लड़का है, गाना भी अच्छा लगा, मैंने सोचा करता हूँ गाना, लेकिन मैं बोला लड़की कौन लेगा यार। फिर इन्होंने बोला सर लड़की आपके सामने अच्छी लेंगे, मैंने भाई कम से कम मिस इंडिया लेनी पड़ेगी वरना मतलब नहीं है। और सृष्टि इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस माशाल्लाह, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी लग रही है गाने के अंदर। और अभी ज़्यादा क्या बोले हम लोग, सृष्टि यू से समथिंग। First of all, I would like to thank Ijaz ji for actually casting me. And Ijaz ji, mat bolo. Noor ji, I'm like really, really thankful that I could actually come here. First of all, thanks to my family in Mumbai to be here. That is, thank you so much for coming here. Like, I am so happy. Though my mom and dad are not here, I still want them to be around me all the time. But instead of that, my friends, you, all of you are my family over here, so I'm really happy that my first music video is out. Hussain ji, thank you so much for giving me this opportunity. मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप दोनों ने डेट निकाल के गुजरात में, हम गुजरात में शूट किए ये, भाई के पास टाइम नहीं था डेट नहीं था फिर भी कैसे कैसे करके भाई ने मेरे लिए, चलो एक बंदा कोई खड़ा हो रहा था वो हिसाब से इन्होंने मुझे टाइम दिया, बहुत हेल्प किया माशाल्लाह। नाउ आई वांट टू स्पीक समथिंग, आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू मिस्टर जास सर एंड सृष्टि मैम। So basically, Ijaz sir, how are you feeling about the first expensive, most Gujarati musical video? कैसा लग रहा है? अरे मैं खुद ही इतना expensive हूँ, जो भी करता हूँ expensive हो जाता है वो। I feel nice, I feel good, you know. I feel whatever I do, I do from my heart, you know. So जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। मुझे लगा कि गुजराती हमारा प्रधानमंत्री गुजराती है, अंबानी गुजराती है, मित्तल गुजराती है, देश के सारे बड़े लोग गुजराती है, तो मैंने सोचा यार गुजराती वीडियो करना चाहिए क्यों नहीं। गुजराती मीडियम इतना बड़ा हो रहा है कि देश चलाने वाले भी गुजराती है, तो मैंने सोचा करता हूँ यार। और इसका गाना बहुत अच्छा था, तू मंजिल मारी हूँ साहिल तारो, तो मैं सोचा कि गाना करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक नई चीज़ है, नयापन है इसमें। नॉर्मली म्यूजिक वीडियो मैंने बहुत किए हैं जो हिंदी है पंजाबी है, पर गुजराती म्यूजिक वीडियो गुजरात में शूटिंग, तो मुझे एक नयापन लगा इसलिए मैंने गाना किया। आई एम फीलिंग नाइस, आई फील गुड व्हेन आई वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स। बाकी बड़े डायरेक्टर तो सब स्टारों के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं इनको स्टार बनाऊं। यू आर आल्सो यूनिक सर, एंड अ राउंड अप्लॉज फॉर मिस्टर जास खान। एंड मैम, आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। What about the experience about the same thing as I have asked for Mr. Ijaz sir? How do you feeling about the video and the chemistry with him? The first thing is that it is my first venture into acting, so I have been really excited from the day I knew that I was getting casted. Especially opposite to Ijaz ji, I was like really, really happy, and he has supported me. Making me feel old here, Ijaz ji. So.
So the whole in the whole process, he has always supported me wherever I was feeling that I wouldn't be able to do something. He has always told me that yes, you can do it. You are amazing. You have that potential. You have to be there. So he has always supported me, and that's what I think has made me do what I have done today. And I'm really happy for how the video. By the way, bike kya chalati hai yaar? Ye abhi dekhna video mein. Kya bike chalati hai? Wo bhi 1500 cc ki heavy bike ko chalati hai. Matlab ladke nahi chala pate. And she is amazing, very, very dedicated to the work. Inshallah, बहुत आगे जाएगी. मुझे ये प्रियंका चोपड़ा का future दिख रहा है इसमें. Thank you so much. Thank you, Ajaz sir, and thank you, Srishti. Have a seat. Now we'll be starting with the trailer, the teaser. Okay. क्या माशाल्लाह. Music composer इन्होंने दोनों ने ही किया है music compose और इन्होंने गाना गाया है. साइड शेप और असीम का थोड़ा आगे सेंटर में थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए सेंटर में आइए सेंट या तू मंजिल मारी हूँ साहिल तारो तू दुआ मारी हूँ हासिल तारो तू मंजिल मारी हूँ साहिल तारो तू दुआ मारी रंग रंग माँ पर से तू अंग अंग माँ फरसू में जीवन नी गाड़ी चाला कर से रंग रंग माँ पर से तू अंग अंग माँ फरसू में जीवन नी गाड़ी चाला कर से सर आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस वही समझ लो आप सवाल मुझसे दो ही लोग करते हैं या पुलिस या मेरी बीवी। I like that. So I will ask ma'am to ask it. अरे मेरे पास उसके जवाब नहीं है। So sir, we want you also once to sing it. What? The same song. Same we song. We want to hear it in your voice. Around the clouds. अरे मैं bad singer हूँ। We'll go it, no problem. तू मंजिल मारी हूँ साहिल तारो तू दुआ मारी हूँ हासिल तारो अंग अंग मा बरसे तू रंग रंग मा बरसे तू जीवन नी गाड़ी चाला कर से थैंक यू सो मच एंड वन लास्ट क्वेश्चन पूछो आपका गोल गप्पो के बारे में क्या विचार है जो आप खिला रहे हो गोल गप्पे आई लव बट अभी आई कांट ईट बिकॉज़ आई एम ऑन डाइट देयर इज वन मॉन्स्टर सिटिंग हियर गुजराती बिहाइंड केम छो केम छो मजा मा छो बधु सारू छे मोदी जी भी बधु लूटी रहे छे बधु थई गयो छे आई लाइक दैट ओके नाउ सो गोल गप्पे लेकिन मुझे नहीं खाने देता देखो मिस्टर महाराष्ट्र हाँ ये तो खाती है बहुत खाया इसने तो वहाँ खड़े खड़े पूरी लारी खा ली थी यार लाली हाँ लाल तो पठान तो लाल ही रहते ना यार सो एनीवन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस या मीडिया कहाँ है वो मुझे मालूम है क्या पूछने वाला है वो महेश द फ्लोर इज ओपन हियर फॉर द मीडिया टू आस्क क्वेश्चंस टू आवर वर्सेटाइल एक्टर एक नंबर सबसे पहले तो आप लोगों को बताइए आज खाना आपका लोन भाई क्या कहना चाहेंगे आप गुजराती सॉन्ग आपने किया है गुजरात में समय नहीं कर रहा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जैसे मैंने पहले भी कहा माइंड ब्लोइंग गुजरात एक ऐसा शहर है जो आज वहाँ से लोग प्रधानमंत्री बन गए देश चला रहे मित्तल लंदन में लोगों को काम करवा रहा है अंबानी यहाँ पे देखो पूरे शहर को खरीद लिया है तो गुजरातियों की रिस्पेक्ट तो दिल से बनती है और मैं भी गुजरात से हूँ और ये गाना करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गाना बहुत अच्छा है नया टैलेंट दोनों सिंगर और डायरेक्टर दोनों लेके आए मेरे पास एंड मुझे गाना सुन के पहली बार में अच्छा लगा आपको कैसा लगा गाना नहीं गाना तो फर्स्ट क्लास तो गुजराती के हिसाब से गाना बहुत अच्छा गाना है
एंड वीडियो इसने शूट करने के लिए बोला, मैंने बोला भाई गुजराती का एक तो बजट नहीं होता, फिर शूटिंग कैसे करेगा। तो इसने मेरा भी पैसा अच्छा खासा दिया और लड़की भी मिस इंडिया मेरे साथ में ली और शूट भी अच्छे से किया, कैमरामैन बड़ा लिया पूरा यूनिट। तो एक फिल्म का गाना जैसा शूट होता है वैसा गाना शूट किया, इसीलिए मैंने ये गाना किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वी आर ऑल हैप्पी विद द रिजल्ट। अगर गाने की बात करें तो आपने गाने को कितना एंजॉय किया पर्सनल में इसको? बहुत एंजॉय किया यार, हम लोग एंजॉय ही कर रहे थे एक्चुअली। बाइक पे लड़की तुम्हारे पीछे इतनी खूबसूरत बैठी है और तुम बाइक चला रहे हो तो एंजॉय करोगे ना। अच्छा सर, बाप से बात करेंगे, गाना काफी अच्छा है, हमको अच्छा लगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, तो इसको मेहनत कितना लगा आपको एक गाना बनाने के लिए, भाई के साथ में मीटिंग करने के लिए, जो अपने वर्क बोलते हैं किस तरह से किया आपने? देखो ये कोई भी, यही गाना नहीं, कोई भी डायरेक्टर अपना, कोई भी डायरेक्टर अगर मैं नहीं, कोई भी डायरेक्टर कोई भी एक चीज़ अगर कंटेंट को लेके आता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है भाई। हमको ऐसा लगता है कि हम देख लिया टीवी पे, अरे नहीं अच्छा है, लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने एक कंटेंट को खड़ा करने के लिए कितना वक्त लगता है, टाइम लगता है, कितना अप्रोच करना पड़ता है, फिर उसको रिलीज़ करो, फिर उसको पब्लिसिटी करो, तो ये सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये सब चीज़ में मेरी हेल्प की है मुकेश जी सांगवी साहब ने, और भाई ने, इजाज़ भाई ने, शिश्ती जी ने, नूर सिद्दीकी जी ने, फरहान सर ने, इन सब ने मिल के मुझे अच्छी पब्लिसिटी दिलाई। और आज जो ये सब बैठे हैं भाई के बदौलत है, इधर मीडिया जो आई है, तो बहुत मेहनत किया भाई इसके ऊपर मैंने। अच्छा बात करें अगर लोकेशन में, तो गुजरात में कहाँ कहाँ लोकेशन पे शूट हुआ, गुजरात में शूट हुआ? गुजरात में हमने वलसाड करके एरिया है, उसमें धर्मपुर करके एक हिल स्टेशन है, धर्मपुर बहुत ब्यूटीफुल है यार। हाँ वहाँ पे हमने वो, हमको एक माउंटेन वाला चाहिए था, क्योंकि ये गाने का बोली तू मंजिल मारी है, तो ये हमको लगा कि ये कोई बंगले में या कोई स्टूडियो में नहीं हो सकता है, इसको एक अच्छा एक रोड हम दिखाएंगे, जो जर्नी, एक जैसे एक जर्नी होती है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक जर्नी पे निकले, और ये गाना है ड्रीम में सॉन्ग है ये, तो एक जर्नी दिखाया, तो उसके अंदर हमको एक अच्छा रोड, एक पानीपुरी वाला, या फिर रात को कैंडल नाइट डिनर, तो ये सब थॉट हमने ला के इसको गाने को आपके सामने पेश किया। सो फर्स्ट टाइम जब आप बोलने आए थे स्टेज पे आपकी आंखें भर गई थी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया था वो आपका? वो एक्चुअली हाजी भाई ने मैं बहुत हेल्प किया, बस यही बोल सकता हूँ। और भाई बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट है और वन टेक आर्टिस्ट है भाई। मैं इनकी भाई जब शूटिंग, अभी जब मैं भाई को नहीं पहचानता था, जब वो अंबानी पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया और मैं देखा कि यार भाई एक होके और वो बच्चे के लिए इतना भाई ये कर रहा है, तो मैं खुद मेरे पांच लोग बंदे लोग लेके जाके, जैसे होता है ना कि यार चलो मैं भी जाऊँगा तो भाई से मिल लूँगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी। और मैं खुद सबसे बड़ा भाई का फ़ैन हूँ, सलमान का तो बाद में, बड़े सबसे बड़ा भाई का फ़ैन हूँ। जब से मैंने भाई का वो अंबानी वाला जब मैं देखा ना, मैं फुल फ़ैन हो गया भाई का। और मैं, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं गाना बनाऊँ ये बनाऊँ, लेकिन वो जब मैं हमारे गुजरात में जब मैं गया था, तो मेरे कुछ उधर के लड़के लोग थे, उन्होंने गाना बनाया था, तो मुझे बोला कि भाई एक बार मेरा गाना सुन लो, तो वैसे हमने एक उसका गाना सुन लिया। मैं बोला यार बहुत मस्त गाना है, और मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि भाई मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो हीरो है, मैं उनको लेके बनाऊँ। फिर मैं कम से कम मुझे एक डेढ़ महीना लगा भाई को अप्रोच करने के लिए। मैं क्या होता था, भाई के ऑफिस के गेट तक आता था और मुझे नहीं है, आपको सबको पता है कि क्या होता है, एक बड़ा सेलिब्रिटी के पास आप जब जाते हो तो उसके जो रहते हैं, तो वो पहले मेरे को गेट से, मेन गेट से मेरे को हटा देने के, कि भाई नहीं है, भाई मीटिंग में, भाई इधर है, भाई इधर। फिर मैंने अपना एक दूसरा जैक लगाया, मेरे को 3 महीने हो गए थे और मेरे पास सब फाइनेंशियल रेडी था, सब रेडी था, और भाई से मैं मिल नहीं पा रहा था। तो एक जरिया, ऊपर वाले ने एक जरिया एक बंदे को भेजा मेरे पास में और बोला भाई मैं तुम्हारा काम करता हूँ। फिर मेरे को सबसे पहले मैं नूर सिद्दीकी साहब को मिला, जो इनके मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, उनको मिला, नूर सिद्दीकी को। उनको मैंने प्रोजेक्ट सब समझाया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने मेरे को बोला कि पहले आप इसका बजट क्या है और क्या किस प्लेटफॉर्म से आप रिलीज़ करोगे, वो सब आप मेरे को बताना होगा। तो उनको सब जाके मैंने पूरा डिटेल, पूरा कंटेंट बताया, पूरा गाना सुनाया, बजट बताया कि भाई ये बजट ऐसा नहीं हम के खाली गए और कुछ भी शूट कर लिया और आ गए, एक प्रॉपर गाने की तरह हम इसको बजट इसको करके, और इनको मैं दिखाया। फिर भाई ने मुझे टाइम दिया, और उस टाइम पे तो फिर मैं कभी भूल नहीं सकता कि भाई ने खुद मुझे बाजू में बिठा के ऐसा लगा, मैं उस टाइम पे एकदम आँख में से आंसू आ गए थे कि यार मैं कभी बंदे का जा रहा, मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को क्या पता अभी यार सेलिब्रिटी भरोसा नहीं, कभी बोल दिए नहीं भाई, देखते हम करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जब गाना सुनाया ना, उसी टाइम पे भाई की BMW थी, बोले नहीं इधर मज़ा नहीं आ रहा है, BMW में सुनेंगे। तो BMW में जैसे ऑक्स में लगाया, भाई ने सुना, भाई ने
डन बोल जाए, बोला डेट ले लो, तो वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे को एक और प्यार, इधर तो मेरी औकात भी नहीं बैठने की, भाई की वजह से भाई ने मेरे को इधर बिठाया। ओके सर, जैसे कि एल्बम काफी सुंदर रहा, एक्ट्रेस लग रही प्रियंका चोपड़ा, मतलब वो पूरा लुक जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा का लुक दिया। नहीं, प्रियंका चोपड़ा माशाल्लाह, देखो क्या होता है कि स्मिता पाटिल थी, फिर प्रियंका चोपड़ा आई, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड गई तो सृष्टि आई, तो बहुत अच्छी, मतलब मुझे नॉर्मली स्क्रीन पे जब मैंने इसको देखा, मैंने इसका काम देखा, मैंने फ़ोटो देखे, तो नूर सिद्दीकी ने जब मुझे बोला कि भाई ये मिस इंडिया है, हमारी दोस्त है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर काम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हारा डेडिकेशन। नॉर्मली लोग यहाँ पे आते सीधा आते ही समझते कि मैं प्रियंका की, कतरीना की, सबकी वाट लगा दूंगी, सलमान शाहरुख की वाट लगा दूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए सुबह से लेकर रात तक का, और उसके लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और सबसे बड़ी बात कि हमको लड़की चाहिए थी जिसको बाइक भी चलाना है। अब लड़की को ऐसे ढूंढोगे जिसको हार्ली डेविडसन चलाना आएगा, तो इसको आती भी थी और फिर एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी थी, तो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और वो बोलते ना, एक वक्त होता है मुकर्रर जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है और सब हो जाता है। और मुझे क्या होता है, मेरा कोई भी फ़ैन है जो, मैं उसको फ़ैन नहीं समझता हूँ, मैं उसको अपना भाई समझता हूँ, अपना प्यार करने वाला समझता हूँ, क्योंकि फ़ैन कैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो तुमसे प्यार करते हैं उसका मतलब तुमसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है। तो ये मेरे पास आया, इसने बोला मेरा फ़ैन है, तो अब यार कोई तुमसे प्यार करके तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारे उम्मीद लेके आ रहा है, तो उसकी उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए तुम्हें, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। हुआ कि भाई ने, चलो गाना हो गया, शूटिंग हो गया, तुम तुम्हारे घर पे, मैं मेरे घर, भाई ने मेरे को लेके चला। आज ये हमारा 3 महीना हो गया शूट करके और आज रिलीज़ हो रहा है, तो 3 महीने में भाई ने मेरे को अपने ऑफिस में बिठा के रखा कि भाई तेरा जो भी पब्लिसिटी करना है, जो भी तेरा काम करना है, मेरे ऑफिस में बैठ के तू कर सकता है। ऐसा गैर नहीं समझा कि नहीं भाई तू, तेरा हो गया काम, तू चले। तो अरे भाई, कल को कोई भी फ्यूचर में रोहित शेट्टी बन सकता है, हैं? ओके सर, सर के साथ कैसे? वन सलाम भाई, कैसे हो? मंदिर मारी, ऐसे तो एक चाहे आप अपने लव को, लव इंटरेस्ट को कह सकते, पर एक ड्रीम भी होता है। व्हाट इज योर ड्रीम एक्चुअली? माय ड्रीम इज टू बिकम सुपरस्टार वन डे, एंड बिफोर बिकम अ सुपरस्टार आई वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम ट्राइंग बोथ एंड आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम इंशाल्लाह। मेरी मंजिल वही है यार, और आखिरी मंजिल तो फिर हमारी आखिरत है। तो दुनिया में अच्छे काम करोगे तभी तुम्हारे को वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिलेगी, वरना फिर यहाँ भी जन्नम वहाँ भी जन्नम, इससे अच्छा यहाँ अच्छे काम करो तो वहाँ जन्नत मिलेगी। और राजू कारिया जी भी आ चुके हैं, तालियाँ बजाइए उनके लिए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरी सबसे पहली फिल्म, जिस तरह से मैंने इसे सपोर्ट किया उस तरह से मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, राजू कारिया। और मैंने एक फिल्म किया था पथ, मेरी पहली फिल्म थी, मैं और शरद कपूर हीरो थे, और रात को 1 बजे मीडिया, मतलब मीडिया दिन में नहीं आती है यार किसी के लिए, तो ये इंडस्ट्री के पहले PR हो, देख ले पीछे मुल्क देख, जिसके मतलब तब शाहरुख सलमान हमने देखा है कि अक्षय कुमार जॉन अब्राहम सर के पास बैठे रहते थे और कहते थे कि हमारा ये करवा दो वो करवा दो। उस टाइम पे एक नए लड़के को इन्होंने सपोर्ट किया और वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था। कुछ भी PR का मतलब ही है, सबके जो दुकान चल रही है वो राजू कार्य की वजह से, ये सच्चाई है। ओके सर, मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ काम करना? उन्होंने टैग दिया प्रियंका चोपड़ा आपको, हाउ यू टेकिंग दिस एप्रिसिएशन? सो मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा हैज ऑलवेज बीन माय रोल मॉडल राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज शी हैज़ डन एवरीथिंग बाय हरसेल्फ विथ हर डेडिकेशन। सो उन्होंने मेरे को प्रियंका चोपड़ा बोला एजेंसी ने, तो आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग दैट मेरे को प्रियंका चोपड़ा के साथ कंपेयर किया जाए। वो भी मिस इंडिया थी ना, फिर मिस वर्ल्ड बनी, ये भी मिस इंडिया है, अभी मिस वर्ल्ड को जाएगी। ओके तो रियाज खान, आज अपने फिल्मी करियर को किस लेवल पे देखना चाहते हो? एक स्ट्रगलर ने जो बॉम्बे में शुरुआत की थी, यहाँ आके हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती सारे फिल्में कर ली, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ सर, और
मुझे एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था जिनका नाम था राजू कारिया, कि जिस दिन तू खुश हो गया तेरे काम से उस दिन से तुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। और मैंने उस चीज़ को सीखा, फिर मैंने कई बड़े लोगों से सीखा है कि अपने ही काम से तू खुश होता रहेगा तो फिर तुझे आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। तो सर इसीलिए मैंने तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी सारी लैंग्वेज में फिल्में की, लोगों को मेरा काम पसंद आया, इंटरटेनमेंट मैंने लोगों को दिया बिग बॉस में। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया ही हूँ अभी तक। आपने सारे फील्ड कर लिए, फिर भी आप बहुत अच्छे टैलेंटेड होने, एक्टर होने के बावजूद एक्टिंग से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फेमस हो, ऐसा क्यों? सर बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। मैं थोड़ा सा सच बोल देता हूँ सर, थोड़ा विटी हूँ इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ। जैसे 15 साल पहले सलमान भाई थे, बीइंग ह्यूमन खुलने के बाद भाई चेंज हो गए, तो वैसा ही मेरा भी है। पहले आप देखो सर, कहीं ना कहीं मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनको मानता भी हूँ, और थोड़ा सा फ्री माइंड हूँ। आप तो जानते हो सर, आप मुझे हमेशा समझाते हो फ़ोन करके, और आपने मुझे बहुत बार बचाया भी है कई मुसीबतों से। सर मुझे ईश्वर का, अनिल कपूर ने जो कैरेक्टर किया वो मैं करना चाहता हूँ, और एक मैं करना चाहता हूँ अग्निपथ का अमिताभ बच्चन। ये दो किरदार मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, बहुत ऑपोजिट है दोनों, और ये दोनों ही मेरे इंडस्ट्री के फेवरेट एक्टर है दोनों। मतलब इन दोनों को पकड़ना बॉलीवुड में किसी के बस की बात नहीं। तो आपको नहीं लगता है लोग इससे बचते हैं, सेलिब्रिटी चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, एंड यू ऑलवेज टारगेट अंबानी हु रन द कंट्री। आप देखिए हर जगह सेक्टर में अंबानी। कभी भी तू देख पिक्चर देख, कोई भी एक आम हीरो होगा ना, आम हीरो जो होता है, आम जनता का हीरो, वो हमेशा इस तरह के बड़े लोगों को टारगेट करता है। इसीलिए आप मोदी को टारगेट करते हो, योगी को टारगेट कर देते हो? हाँ सर, मोदी जी ने मुझे लेटर भी लिखा कि मैं सही हूँ, मैं उन्हें टारगेट करता रहूँ, उन्हें अच्छा लगता है। लेटर लिखा है मोदी जी ने? हाँ, देखा नहीं तुझे? आज दिखाई देता हूँ यार, आज जनता को भी दिखा दो यार। दिखा दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल में राहुल गांधी को जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के जवाब दिया है, आज जनता देख ही ले। अब बंद हो गया ना गाय के नाम पे सब। बस आज तक का तब तू थोड़ा उससे भी बाहर निकलना, मेरे खाली डिजिटल पे इंटरव्यू थोड़ी चलते बेटा। नहीं नहीं, मैं ये आज तक एबीपी भी मेरे पीछे भागता है। नहीं, डिजिटल का मैं किंग हूँ सर, डिजिटल पे देखो इंटरव्यू उसी के चलते जो थोड़ा सच बोले, वरना आप देखो सुशांत सिंह ये वो इंटरव्यू एक व्यू भी नहीं आते, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल लोगों का ज़्यादा इंटरव्यू चलता है, या फिर आप सुपरस्टार हो। बाकी आप देख लो वीडियो लगा के 5,000-7,000 व्यू, डिजिटल मीडिया भी उसी के पास जाती है जिससे उनका घर चले, क्योंकि जब तक तुम कुछ कॉन्ट्रोवर्सी या तुम कुछ सच नहीं बोलोगे, जब तक तुम ओपनली आके सामने कुछ नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हें टैग नहीं मिलेगा एजाज खान ने ये कहा, तब फिर वो चैनल बड़े हो जाते कई बार। तो सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अब इसमें मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली थी कि भाई मोदी जी आप गाय के नाम पे इतने लोग मार रहे हैं, आपके गौरक्षक
आप एक काम करिए, गाय के चमड़े से बनी हुई चीजों को पहले बंद करवाइए। ये सच था, तो उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना, मैंने बोल दिया। जुबेर खान मेर आप में लकीर के फकीर के बाद में हेलो हाय भी बंद हो गई, जहां तक कि मुझे याद है एक पब का मैंने ओपनिंग किया था, आपने उनके साथ में तस्वीर खिंचवाने से भी मना कर दिया था, तो क्या वजह है कि फिर से जुबेर और इजाज एक साथ में आए और पार्ट टू बना रहे? सर देखिए, अगर अल्लाह ताला ने कहा है और किसी ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं, तो उतनी जल्दी सामने वाले को माफ़ कर दो। और कहीं ना कहीं जुबैर में मुझे चेंज नज़र आया, कहीं ना कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया और उसके अंदर मुझे चेंज नज़र आया। और लकीर का फ़कीर एक ऐसा सर फिल्म है जो हर दुनिया में जितने लोगों ने मेरी फ़िल्म देखी है उसमें सबसे पहले उसने मेरी ये फ़िल्म देखी है, तो एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसको सेकेंड पार्ट में लाना ज़रूरी भी था। और जुबैर का चेंज मुझे दिखा तो हम दोनों वापस दोस्ती हो गई, जिस तरह आप मुझ पर नाराज़ हो जाते हो, एक एक साल दो दो साल मिलते नहीं हो, फिर आप सडनली एक दिन फ़ोन करते हो, मारा डिकरा केम छे, मारा बैला तारी वो याद आवे जे मने। तो सर वही है, ज़िंदगी वही है सर। हाँ वो तो हो जाता है, लेकिन आपने कहा कि सलमान को उन्होंने सॉरी किया और माफ भी कर दिया है सलमान सर ने, तो कुछ थोड़ा वो इंसिडेंट बताइए, मतलब क्या हुआ? मतलब अब तू क्या इंसिडेंट, क्या मैं क्या उनके साथ में था क्या? जुबैर ने मेरे को बोला कि भाई का मैसेज आया, अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मैंने वो बने गया ठीक है अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगी माफ कर दिया तो वो थोड़ा हो जाना। अरे बाबा, किसी की अम्मी का इंतकाल हो जाता है, सामने वाला सब भूल के उसको मैसेज करता है, तेरे में इंसानियत है कि नहीं है? बस खत्म हो गई बात, बस करेंगे अभी। हैप्पी बर्थडे। लास्टली सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी लॉट ऑफ क्रिटिकल इन लाइफ सपोर्ट में है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एनी थॉट्स ऑन दैट? अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको ठीक करे, हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अगर उनकी तबीयत खराब है तो हम उनके लिए दुआ करेंगे और हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैंने ये घर में इतना गाना सुन लिया कि मेरे छोटे बच्चे को भी याद आ गया गाना। गा रहे भाई, गाना दिखाओ, गाना दिखाओ।